दोस्तों जब हमारे पास दो अलग अलग फ़ोटो होते हैं पासपोर्ट साइज़ के, तो कभी मुझे ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि आदमी प्रेजेंट नहीं होने के कारण दो अलग अलग फ़ोटो को ही एक साथ ज्वाइंट करना पड़ता है। तो ऐसे आप में अगर आपको ज्वाइंट करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो अलग अलग फ़ोटो को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है फोटोशॉप में। तो दोस्तों ज्वाइंट फोटो से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे, जिसके माध्यम से बड़े ही आसानी से आप अपने फोटोशॉप में दो अलग अलग फ़ोटो को एक साथ ज्वाइंट कर सकते हैं और आप प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो में खास बात यह है कि हमने ज्वाइंट फोटो का एक एक्शन फाइल भी दिया है, जिसके माध्यम से आप ज्वाइंट करने के बाद सिर्फ एक क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक से 4x6 में 8 फोटो का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसको कि आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से अपने ज्वाइंट फोटो को प्रिंट करके अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास दो फोटो है जो कि हमने एक साथ रख के स्कैन किया है। तो यहाँ पर अभी हम इस फोटो को अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप कि ये जो फोटो है ये दो फोटो है, दोनों अलग अलग है। तो ये हमने एक साथ फ़ोटो को स्कैन किया है, तो ये जो अलग अलग फ़ोटो है इस दो फोटो को मुझे एक साथ ज्वाइंट फ़ोटो बनाना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के बताए गए ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे आप दोनों को एक साथ बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आपने ज्वाइंट फोटो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे वो बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे, और आज के बाद आपको ज्वाइंट फोटो से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फोटो है, दो फोटो, इस दोनों फोटो का भी हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि विंडो में चले जाना है आपको, और यहाँ से लेयर पैनल को एक्टिव कर लेना है, जहाँ पे आपको लेयर पैनल दिखाई दे रहा होगा। अभी हमको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जब ये हो जाएगा तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। सबसे पहले इस फोटो को क्रॉप करते हैं, ठीक है, इस जेंट्स को। तो यहाँ पे इस फोटो को हम यहाँ से इस प्रकार से क्रॉप कर लिया, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो इसको सीधा करके क्रॉप कर लेना। ये हमारे पास एक फ़ोटो क्रॉप हो चुका है। अब हम यहाँ पे अब इस वाले फ़ोटो को करते हैं, इस महिला को, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉप कर लिया। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों फ़ोटो यहाँ पे हमारा अलग अलग क्रॉप हो चुका है। अभी यहाँ पे दोनों फ़ोटो हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक साइज लेना है जिसमें कि मुझे ज्वाइंट फ़ोटो को यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ से कस्टम साइज में आपको ले लेना है, और यहाँ से आपको इंच में ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको विडिट में आपको यहाँ पे 2 इंच ले लेना है, और यहाँ पे हाइट में आपको 1.5 ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक ज्वाइंट फ़ोटो का साइज आके तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस फ़ोटो को सबसे पहले यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और इस फ़ोटो को अभी यहाँ पे रख देता हूँ। दोनों फ़ोटो हमारा आ चुका है। अभी ये दो फ़ोटो का कोई काम नहीं है, ये इधर हम साइड कर देते हैं। अब ये वाला जो फ़ोटो बचा हुआ है हमारे पास, इस फ़ोटो को हम बड़ा कर लेते हैं। अब यही दोनों को मुझे ज्वाइंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ये फ़ोटो है महिला का, तो इसके पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, तो इस बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए अगर इस प्रकार से प्लेन बैकग्राउंड है, तो हम यहाँ से मैजिक वन टूल्स का प्रयोग करेंगे। टूल्स बार में जाएंगे, मैजिक वन टूल को सेलेक्ट करेंगे, और इस पर जैसे ही रखेंगे यहाँ पे छोटा छोटा डॉट दिखाई देगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड में, और एक बार चला देना है इसको। 2-3 बार क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक से ये सेलेक्ट हो जाएगा पूरी बैकग्राउंड। अब राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा फीदर ऑप्शन को यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे फीदर लगा दूंगा मैं, और ओके करूँगा, और यहाँ से डिलीट बटन दबाऊँगा, यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डिलीट सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा जो लाइन है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से टूल्स बार में, और कुछ इस प्रकार से इसको हम इसको घस के मिटा देंगे, ठीक है। हल्का हल्का घसेंगे, यहाँ पे लाइन बचा हुआ है हमारे पास, तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो को यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बचा दूसरा फ़ोटो। अब इसको ये देख रहे हो, इसके ये इसके नीचे है, ये सब फ़ोटो के ये अंदर में है, तो इसको ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेयर पैनल आप देख सकते हो, इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे,
ठीक है। आप जैसे ही इसको ऊपर कर देंगे तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे ये फोटो देख सकते हो ऊपर हो गया। अब इसको रिमूव करते हैं तो वही यहाँ पे मैजिक वन टूल्स का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जब ये एक बार में सेलेक्ट हो गया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट क्लिक करके फेदर ऑप्शन में जाएंगे और रेडियस यहाँ पे एक कर देंगे और आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इरेजर टूल लेंगे हम और यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से साइड वाला जो लाइन है दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है दोनों का। अब कुछ इस प्रकार से फोटो को हम रख देंगे, देख सकते हो। इसको रखने के लिए इधर करेंगे, यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटो सेलेक्ट लेयर, तो फिर इस लेयर को पकड़ के इधर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर होगा और इसको करेंगे तो इधर होगा। और ऊपर नीचे करने का ऑप्शन, ये ऊपर हो गया और यहाँ से इसको हम कर देंगे ऊपर, तो इस बाबा को ऊपर कर दिया तो यहाँ पे ये ऊपर हो गया, देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारा फोटो ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेयर पैनल जो यहाँ पे खुला हुआ है इसके नीचे में जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे आपको, और यहाँ से आप जो भी कलर आप देना चाहते हो वो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से दे सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको दे दिया, ठीक है। और ये दोनों फोटो जो है, इस दोनों फोटो को अगर आप लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, इस फोटो को पहले फर्स्ट लेयर पे क्लिक किया और ये सेकंड लेयर के यहाँ पे साइड में देख सकते हो इसको लिंक कर देंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, दोनों मिला के यहाँ पे एक फोटो हो जाएगा। यानी कि अब हम जो खिसकाएंगे दोनों एक साथ खिसकेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा इसको हम लाइट इसको लेवल को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको लेवल को मैनेज कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसको इस वाले लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और ये जो सेंटर वाला जो लेवल है थोड़ा सा इसको डाउन करना है और ये साइड वाला है लेफ्ट वाला तो थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ओके करते हैं। अभी यहाँ पे इस फोटो का प्रोसेस को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल में चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप में चले जाएंगे। अब आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे JPG सेलेक्ट करना है फॉर्मेट में और फाइल नाम में आपको यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आप, तो हमने दे दिया और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर जाकर देखते हैं, देखिए पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था, आपको दिखा देता हूँ मैं, और अभी कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो। चलिए अब मैं अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। अगर आपको इस प्रकार इतना जब फोटो बन जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर में जाएंगे, फ्लैटन इमेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे विंडो में चले जाना है और लेयर ऑप्शन पे चले जाना है और अभी हम आपको बताएंगे एक्शन फाइल को ऑन करना है और इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर ज्वाइंट फोटो अगर आपको बनाना है एक क्लिक में तो मैं आपको एक्शन फाइल भी दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्वाइंट फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे 8 फोटो लिखा हुआ है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज 8 ज्वाइंट फोटो 46। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ से क्रॉप ऑप्शन को माइनस कर देना है और थोड़ा सा इसको नीच करना है। जैसे इंटर दाबेंगे ऑटोमेटिक से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 46 में 8 फोटो हमारा ज्वाइंट फोटो बनके तैयार हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने ज्वाइंट फोटो को ज्वाइंट कर सकते हो, बड़े ही आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश किया है। और यहाँ पे ज्वाइंट फोटो का हमने एक्शन भी दे दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।